अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरे सब खैर सब हमारे ब्लॉग में सबका वेलकम। और जो है अभी सुबह सुबह हो चुकी है, सुबह सुबह उतना है, दोपहर का टाइम हो रहा है, एक बजने वाला है और अभी अभी हम सोकर उठे हैं क्योंकि यू नो जिस दिन ऑफ होती है उस दिन आराम से नींद पूरी करके उठे बंदा, तो जो है सुकून से उठे हैं हम। और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में जो है सिर्फ चाय पराठा, क्योंकि कोई सालन वालन कुछ है ही नहीं, रात का कुछ बचा ही नहीं, तो हम वो खाते। अंडे वंडे भी नहीं है क्या मायरा? नहीं है, अंडे भी ख़त्म हो गए। देखो तरह अब चाय से करना पड़ेगा। चलो चाय नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद जो है घर को झाड़न पोछन करनी है, घर को झड़वाना है क्योंकि जो है घर बहुत गंदा हो रहा है। और जो है बाबा की जो है पहली बरसी आ रही है, मतलब फ्राइडे को एक साल हो जाएगा पापा के इंतकाल को, तो फिर जो है क्या नाम है, मतलब कुरान खानी है घर में, तो दैट्स वाई ज़रा घर वर झाड़ा जा रहा है। और हमारी मासी माशाल्लाह से लेट लतीफ जो कि अभी तक नहीं आई है झाड़ू पोछे के लिए, और तो झाड़ेंगे हम, बाकी तो काम वही करेंगे। तो फिर जो है अभी करते हैं नाश्ता फटाफट में, सुबह झाड़ते हैं कमरा, बनते हैं मासी तो बस अभी नाश्ता करते हैं। ये है चाय परांठा और मायरा बैठे कर रही है नाश्ता, जो कि मायरा बहुत ही गंदे हो लिए मैं फिलहाल तो बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, तो ये फाइनली हमने सर पे जो है बांध लिया है कि हमारे बाल ख़राब ना हो, बिकॉज़ यू नो कर्ली बाल हो चुके हैं उनमें तो फंस जाएंगे डस्ट वस्ट जाले शाले। तो जो है अभी झाड़ दें कमरा, बाकी तो कमरे में मैंने खुद ही झाड़ ली है, तो बस यही झाड़ना है, यही झाड़ते हैं। खुजलियाँ मचना शुरू हो गई मेरे सर में तो, लो गर्मी कितनी हो रही है। मायरा क्या कर रही हैं आप? किचन साफ करनी है। सही सही। और ये फाइनली हमारे घर में मासा आ चुका है। मासा वैसा कोई वर्ड नहीं है, डंडा क्यों हिला? ये आप ही नहीं हिला था? उई हुई। कल आपने हिलाया। मैंने पर्दे निकाले थे जब सर फट, बहुत अच्छा होता सर पे आगे करता है ये। मैंने पर्दे निकाले थे जब से हिलावा हो रहा है, बोल रहा हूँ कि हिलाए चले जा रही चादरें बांधने में, जब चादरें बांधने में नहीं पर्दे निकाले जब से हिलावा है, अभी मेरे सर फूटता। अच्छा ये होता ना याददाश्त चली जाती, आप चाहते हैं कि मेरी याद आ जाए, आप खुद परेशान हो जाएंगे। वाओ वाओ व्हाट अ एक्सपर्ट मैन। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मेरा साइड बिजनेस है। ओ अच्छा अच्छा, अभी हम समझे कि आप काम बिजी होते हैं। आपके दोस्तों को भी पता चल जाएगा यहाँ मसरूफ होता है। हाँ जी बिल्कुल। कैमरे में भी, कैमरे में भी आ रही है मिट्टी उड़ती हुई। और आपने फैन ऑन किया हुआ इसलिए बस कर दें। अगर आप डेली बेसिस पे, हाँ डेली बेसिस पे झाड़ेंगे ना, डेली बेसिस पे अगर आप सफाइयां करें तो घर को इतना झाड़ना थोड़ी पड़े। हाँ सही बात है, बड़ी बड़ी जो खिड़कियां खुलवाई है ना इससे अंदर आते हैं। जी आप क्या करने आई हैं? क्या है ये? उई ओवर 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 बंदरिया की तरह से। ओए क्या है ये? हैं खोलो तो, बुक है? नहीं क्या करें, बुक नहीं है। फिर ये जो ऐसे चिपकाते नहीं है खोल के, ऐसे ही चिपका देते हैं। वो वही होता है इसको, हिस्ट्री का वाली जो बुक होती है। चाचा मैं हो गई बढ़िया, तुम बनाओ मेरी चाचू की वीडियो। आराम से मेरी सारी चीज़ों पे आएगा नीचे। ये जो एक अलग विंडो है ना, यहीं से आती है सारी गंदगी। और फैन ऑन करके कौन झाड़ता है? और मम्मी मासी को खूब सुना रही सफाई के पीछे। और ये मम्मी एक एक कोने से कारपेट हटवा के झाड़ू दिलवा रही है, एक तरह से एक तरह झाड़ू लगा रही है। और मम्मी सुना रही है खूब ज्यादा, एक तरह को नहीं, एक तरह को नहीं लिया, एक तरह के हाथ लिया। और जो है क्या नाम है, ये मम्मी खूब सुना रही है, ये मासी हमें भी दिलवा दो। मम्मी खूब सुना रही है, बराबरी करती है ये, बात कर रही हूं करवा रही हूं। और मैं थकार के हम लेट गए हैं मल्टीफॉर्म पे। मल्टीफॉर्म आराम का है ना, मास्टर मल्टीफॉर्म असली फॉर्म। इसकी वो हो गई एडवर्टाइजमेंट कर दी मैंने बस। क्या कह रही है मम्मी? अच्छा जाहिर सी बातें करें, उठाएं उसको, हिलाएं जरा सा। नहीं कोई नहीं कर रहा, बस थक गया मैं बस बहुत। अब मैं आराम तो बुरा हो गया, बाल नहा दो के फ्रेश फ्रेश होते हैं। अभी फ्रेश होना सुबह
चले चले खुद कर, मैं नहीं कर रहा। जब हम आए घर पे ये दो फारिग आए थे, देखो सर इतनी देर से मुझे याद रहते हैं इन दो फारिग को व्लॉग में, आज दिन का व्लॉग चल रहा था, आज ये दो फारिग आए हमारे घर पे, बाइक का काम नहीं करवा सकते तुम मेरी, टाइम नहीं है हमारे पास, क्या क्यों टाइम नहीं है तुम्हारे पास, दुकान जाएंगे हम दादा काम वाले, 21 घंटे दुकान पे। तो बेटा अपने लिए कमा रहे हो कि मुझे लाके दे रहा है, क्योंकि आप फारिग क्यों बोल रहे हैं, फारिग इसलिए बोल रहा हूं कि अभी मेरा काम नहीं कर रहे। A few moments later. Okay, क्या बोलते हैं उसको, रिंग्स ताकि पर्दे सेट हो जाए, गुड कीप इट अप। ना 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 भैया तुम्हें कुछ काम बोला था मैंने, देखा आपने इसको, मैंने एक काम बोला था, आके बैठ गए यहाँ पे, अब ये पर्दे यहाँ पे, और अभी हम पर्दे हैंग करते हैं, पर्दे हैंग करेंगे, पर्दे टांग देंगे सही तरीके से, सर बहुत गंदे हो गए थे, और बाकी मैं इधर देख रहा हूँ एलईडी में, सोच रहा हूँ क्या लगाऊँ अभी, तो अभी कुछ लगाते हैं कुछ देखते हैं, जब तक ये लोग पर्दे प्रेस वेस करके देते हैं। ये तो भाई सारे पर्दों में लग गए हैं रिंग्स, अब इनको लगाते हैं ऊपर हैंग करते हैं ये पड़े। चलो भाई आज हम जो है दें और पहले भी लगा चुके हैं, आपकी शर्ट हुई हुई ये जो है ना डंडा पता नहीं क्यों गिरे जा रहा है, एलईडी मैं भी बची हूँ दोपहर में इससे, हाँ एलईडी पे लग जाए भले है, एलईडी सही ना, सॉरी मुझ पे लग जाए भले, नहीं चल रहा अच्छे आ रहे वैसे भी, क्या रहे क्या फ्लैश में ब्लिंग ब्लिंग होती है वो, मुझे पर्दा तो दें क्या, ऐसी खड़ी होगी बस वीडियो जला फ्लैश देख रहा है कहीं वापस नीचे आ जाए, नहीं एकदम वहां से उठ रहा है ना ये, पता है आड़ा हो रही है ये, देखिए अभी सेंटर में आ ही नहीं रहा यहाँ से, हाँ क्योंकि वो टाइट होके लगेगा ना, तो इसलिए अपने वहां से अकेली मतलब मुझे क्या पता, अब कौन सी कोटी गोल्डन वाली पता नहीं होगा कुछ, मम्मी अंगूठी में वैसे एक बात है, अगर पर्दे ना होते तो कितना नंगा नंगा होता ना कमरा है ना, कितना अजीब सा लगता है, लेकिन अगर नहीं होते तो नहीं होते कभी जिंदगी में, अगर हमने नहीं देखा तो नहीं होती ना, तो पढ़ते नहीं और अगर विंडो नहीं होती तो इंसान जिंदा नहीं होते मतलब वेंटिलेशन होती है विंडो से, हवा पास होती है इसलिए वाओ फाइनली डन डन डन, अभी आगे के भी लगाने, आगे इतने सारे पर्दे डबल डबल, और अब बारी आ गई है इस कमरे की, और डल भी गए हैं तीन कर्टन्स, आराम से कहना गिर जाएंगे मम्मी बोली मैं मेरे जो है ना बहुत समय कहाँ मुंह में घुस रही है आपके, हमने आप बिल्कुल सही आ रहे हैं, आपको मैं सही आने का नहीं कह रहा, कहाँ है इसका वो टूट गया लगाए ना, मजाक चल रहा है, मजाक भी चल रहा, मैं भी सीरियस ही हूँ, नहीं है टूट गया ऐसी लगा दिया, अब न्यू आएंगे सारे टूट रहे हैं सीरियसली, हाँ बाकी मैं ऐसी ही है कोई बात नहीं, दूसरा ले आएगा, दिस इज फॉर यू सोनिया, मम्मी आप क्या कर रही हैं, मम्मी कुशन चढ़ा रही हैं, कल की तैयारियां हो रही हैं कुशन के कवर, सॉरी 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 माय मिस्टेक पसीने में हो रहे हैं, कर्टन दे दें गर्मी लग रही है बहुत, मम्मी इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है मैं बता नहीं सकती, हफ सो रहे हैं, एक फैन क्यों ऑन है, दूसरा वाला क्यों नहीं ऑन किया, वह फैन बिल बहुत आ रहा है,
बहुत आ रहा है। हम कर्टन लगा के हुए हैं फ्री, और अब मेरे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हेडेक, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने दोपहर में नैप नहीं ली, इस वजह से सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो अभी खाते हैं पैनाडोल एनबल खाते हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है यार, और गर्मी इतनी हो रही है। हब सजी भी पता नहीं कैसा मौसम होता जा रहा है, ना सर्दियाँ आ रही हैं ना गर्मियाँ जा रही हैं, समस्या बाहर। और कर्टन्स लग गए, अब हम बैठे हैं कर्टन्स लगा के फ्री होकर। A few moments later. हाँ जी, तो भाई यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। तो वैसे तो मुझे बड़ा मसरूफ़ और थकावट भरा रहा, और जो है घर के सारे काम निमट गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल है पापा की बरसी, तो बस इंशाल्लाह जो है अब सारी तैयारी हो गई है, तो बस अब कल सब आएंगे। कल है कुरान खानी घर में पड़ी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस पर भी दस की वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, उसको प्रेस द बेल आइकन। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू गाइस।